रावत समाज ने रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगाओ वापस, 6 लोगों के मुकदमे निरस्त करो। रावत समाज द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी चश्मे सिंह संधु को सौंपा गया। ज्ञापन में ग्राम पंचायत न्यूंदरी मालदेव द्वारा कसरा नंबर 306 की 44 बीघा भूमि को 3 भागों में बांटते हुए 4 बीघा जैन समाज को मुक्त मृषि अस्पताल, 10 बीघा रावत समाज को और शेष 5 बीघा मेघवाल समाज को अनापत्ति जारी कर दी थी। जैन समाज द्वारा नामांतरण करवाने के बाद पुनः ग्राम पंचायत नूंद्री मालदेव द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। मेघवाल समाज द्वारा अनापत्ति के आधार पर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति स्थापना के साथ सरकारी हैंडपंप भी लगवा दिया, लेकिन अनापत्ति को ही आधार मानते हुए जब रावत समाज ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति स्थापित की तो प्रशासन ने मूर्ति को जब्त कर विभिन्न गंभीर धाराओं में 6 रावत समाज के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। उक्त मामले में प्रशासन द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाने का आरोप लगाते हुए दोहरी नीति अपनाने को भी आरोप लगाया और मांग की है कि निर्दोष 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमे निरस्त किए जाएं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जब्त की गई मूर्ति लौटाई जाए और रावत समाज को दी गई 10 बीघा भूमि को आवंटन राजस्थान रावत राजपूत समाज के नाम के आदेश जारी कर पुनः मूर्ति लगाने की अनुमति दी जाए। निष्पक्ष जांच और न्याय न मिलने पर रावत समाज द्वारा धरना प्रदर्शन और रास्ता जाम करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यहाँ पर ब्यावर के अंदर शांति बनी हुई है, उस शांति की जगह क्रांति लाने का काम प्रशासन कर रहा है। मैं उनको कहना चाहता हूँ ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इस जगह पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लग करके रहेगी, ये सिर्फ उलझाने का काम है, ये चरागा है, ये उसी अलॉट नहीं है, ये आपको परमिशन नहीं मिली है। अरे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की यहाँ परमिशन कौन देगा? क्या वहां से फारूक अब्दुल्ला देगा या कोई वो मोहम्मद घोरी देगा या पाकिस्तान देगा? इमरान खान, ये कोई वहां से परमिशन की जरूरत नहीं है। ये उसके वंशज है, अपने पिता की मूर्ति लगाने में इनको शर्म और किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लगेगी मूर्ति और हम लगा के रहेंगे। तो उसको लिखा है, उसमें दो प्रमुख बातें सामने आई। पहली तो ये कि जब मूर्ति खंडित थी तो उन संबंधित के खिलाफ एक्शन की बात कही थी और सीओ साहब मौजूद थे। सीओ साहब ने कहा कि इस केस में जो भी तफ्तीश के उपरांत जो एफ आई आर आज दर्ज होगी उनके वो कॉपी दिलवा दी है। दूसरा मुद्दा जो आया कि मूर्ति वापस लगाने की बात हुई कि मूर्ति लगानी है तो उसके प्रॉपर लीगल प्रोसीजर है, तो हमारी तरफ से उन्हें ये अनुरोध किया गया कि प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए परमिशन के बाद मूर्ति लगाए। निश्चिंत ही प्रशासन अपनी तरफ से अपने स्टेप्स लेता भी मैंने और लीगल स्टेप्स के लिए हम बहुत पार्टीज को अर्ज करते हैं और बाकी अगर कोई भी इसके बावजूद आगे जाता है तो कानून अपना रोल अपना निभाए।